सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। तो भाई अब उठ गए हैं और अब विल्ला पंक्ति स्टार्ट हो रही है हमारी। तो भाई अभी मुझे जाना है कुछ ग्रोसरी का सामान लेने, कुछ डाइट वाइट पे पूरा प्रॉपर ध्यान रखूंगा भाई, क्योंकि अब कुछ करने को है नहीं। सो प्रॉपर विल्ला पंक्ति स्टार्ट होगी हमारी। और बाकी भाई मुझे नीचे कमेंट करके बताओ कि मैं अपना चैनल का नाम फिर से लैला रखूं या ये यही सही है। जो ज्यादा कमेंट होगा फिर भाई उसी पे डिसीजन लेंगे, ठीक है। बाकी और क्या कह रहा था मैं, हाँ, और सब डेली ब्लॉग आएंगे भाई। सुबह 10 बजे आपको नोटिफिकेशन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी, 10 या 11 बजे इन दोनों के बीच में रहेगा, इससे लेट नहीं होने दूंगा मैं, ठीक है। तो चलो चलते हैं बिना किसी बकचोदी वाला, तो उसका हो जाएगा करना, ठीक है। हम कुछ अपना अलग बनाएंगे, कुछ न्यू, ठीक है। तो अब पहले गिनने के बाद जा रहे हैं, गिनना वेट कर रहा है, उसके बाद चलते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं बकचोदियों के साथ। ओके गाइस, अभी घर में हूँ, वाली नहीं बक सकता, जाओ। और भाई तुम्हें एक और चीज़ बताना भूल गया था भाई, ये लोअर लिया था मैंने, फ्लिपकार्ट से मंगाया था सेल में, प्यूमा का था, तो थोड़ा छोटा सा मतलब लंबा आ रहा है, तो नीचे से थोड़ा कटवाऊंगा, इसके बाद फिर अपनी ग्रोसरी की शॉपिंग करने जाऊंगा। ये गिनना अभी भी नहीं आया यार, वो वैसे धूप आ गई, चली गई। गिनने गिनने भाई, इसका ब्रेकअप हो चुका है, बहुत तगड़ा, आशिक पंती से बाहर ही नहीं आ पा रहा है। गिनने आ जा यार, रुको यार, इसको फोन करना पड़ेगा, फोन करता हूँ, रुको भाई। एक तो भाई भगवान की कसम, इसका मुझे समझ नहीं आता क्या है, इसके घर में हमेशा जब भी चले जाओ चाबी नहीं मिलती, कभी गाड़ी की गायब है, कभी उस दिन स्विफ्ट डिजायर की चाबी गायब है, अब स्कूटी की गायब है। भाई तू चाहता क्या है, तेरी लाइफ में ना लड़की ना चाबी। आ लवड़ा चले, हट जा, डेली व्लॉगिंग स्टार्ट होगी। हेलो आंटी, हाउ आर यू, चाबी लेना मामे से। तो गाइस, जिंदगी में एक ऐसा दोस्त जरूर बनाना जो तुम्हारी स्कूटी चलाए और तुम्हें ड्राइवर वाली को दे पूरी फैसिलिटी। भाई देख, स्कूटी मैंने चलाता, देख चाबी तू लगाता है स्कूटी में, चलाता मैं हूँ, तो भाई बराबर हो जाती है यार। शादी तू करेगा, ठोकूंगा मैं। ओके ने, ये गलत बात है वे। नमस्कार जी, देखो भाई साहब, पिताजी की पतलून एक पिलंग छोटी कर दो साले, पीमा नहीं है ओरिजिनल लोअर, प्राइस दिखा देता तुम्हें गाइस, 2500 रुपए का। इसकी तरह नहीं बैठ के लोड़ा कि तेरी तरह शोरूम में जाओ बस चेक करा, और ब्लैक कलर पसंद, ये कहां से लाया, दो नाई की बैठ के लोड़ा नकली। इसकी स्टोरी बता दूंगा अभी, क्या भैया मेरी बात सुनो, सुनो ये बाहर निकाल के यहाँ से थोड़ा काट देना, फिर इसको जोड़ देना, ये लो नाप लो ना, लो नाप लो भैया, क्या करेगा टूला नाप के। तो भाई अब वरुण गेनिंग करेगा अपनी, आज तुम्हें अपना बाइसेप साइज दिखा देता है, फिर उसके बाद ये ग्रोसरी शॉपिंग करने जाएगा गेनिंग की, फिर तुम्हें 3 महीने बाद दिखाएगा कितना आ रहा है। 12 करेक्ट, 12 इंच। चलो मेरा नाप यू, काश ब्रो अभी साइज गिरा हुआ है यार, बुखार हुआ था। कोई बात नहीं भाई, दिखा दो एक बार। चीटिंग मत करियो, 17 आ रहा है, नहीं 17 से 0.12 कम है, ठीक है। बिना पंप के 17 हो जाएगा, तू भी गेनिंग कर मेरे साथ, बिना पंप के 17 कर देंगे। तो भाई मेरी जो स्टोरी क्या थी पता है, वो स्टोरी क्या थी, ये नाइक वाली की भाई, ये मैं ना गया था वहाँ पे, क्या कहते हैं अपने उसको, क्या कहते हैं जहाँ पे जीन जगह रोड, हाँ टैंक रोड गया था भाई, 190 रुपए की मिल रही थी, मैंने कहा भाई उठा ले, वैसे बैठने के लिए सही है जिम विम में, तो ना ध्यान रख गिने, कपड़ा तो ठीक है, तो मुझको पता नहीं चला था कि दो नाइक है, मैं सोचू दो नाइक की आती होंगी भाई, तो गिनने ने मुझको बताया आती है ऐसे साइन, फिर ओरिजिनल बैठ की लोड़ी लोड़ा 170 रुपए की है। भाई साहब कब तक आ जाओ, कब तक आ जाओ, 10 मिनट में आ रहा हूँ। सो भाई फर्स्ट पहले ओट्स ले रहा हूँ मैं, दिखाइए कौन से वाले लेने हैं भाई, बता दे। ये लेने हैं अनफ्लेवर्ड, भाई अनफ्लेवर्ड ही बेस्ट रहता है, अनफ्लेवर्ड है। और बाकी चेक करते हैं बोन बीटा, अबे यार चल हाइट बढ़ रखी है मेरी, ग्लूकोंडी अनफ्लेवर्ड, ग्लूकोंडी अनफ्लेवर्ड उठा भाई, ये भी उठा, ये प्री वर्कआउट में भी तेरी कैलोरीज पूरी करने में हेल्प करेगा, ग्लूकोन डी प्री वर्कआउट में कैलोरीज पूरी कर देता है ना, चल ले ले भाई फिर, प्री वर्कआउट में इंट्रा वर्कआउट या कभी भी कैलोरीज पूरी कर, चल। और तो बाकी मुझे लगता है कोई जरूरत है नहीं लेने की, क्योंकि भाई घर में देख पनीर आता ही है, वो तो मम्मी लाती है ब्रेड भी, ग्लूकोन डी बड़ा घर पे, नहीं ग्लूकोन डी नहीं बड़ा, फिर ये दोनों ले ले बस, बस यही है तेरी, चलो बाकी घर जाके दिखा दियो ना, शायद पड़ा घर पे लूं, नहीं पड़ा ले लूं फिर, शायद पड़ा है, शायद से पड़ा है, शायद तो पड़ा है, चल ठीक है बस यही है ना,
चलो भाई बाकी तुम्हें मैं घर चल के दिखा दूंगा, बाकी वो पनीर वनीर और वो तो सब चलता रहता है, नॉर्मल जो डाइट रहती है वही रखूंगा अपनी, ठीक है। बाकी अब ट्रांसफॉर्मेशन अब स्टार्ट होगी, ठीक है, चलो पेमेंट करता हूँ फिर। सो गाइस स्कूटी से घूमते घूमते हम आ गए पंजाब। ये देखो गाइस यार भाई ले ले भाई पंजाब, वो तो हमें बोल रहे हैं पंजाब के नजारे लेते हैं आपको, फिर उसके बाद मिलते हैं हम गाइस। जाना कहाँ है? गन्ने के खेत से लाए पुत्र, गन्ने का खेत मिलो सरसों का साग। चलो भाई अब मुझे ड्राइविंग करने दो। और भाई ये तुमसे सबसे एक रिक्वेस्ट है मेरे भाइयों से, भाई तुम्हारे अगर पापा के पास अगर व्हाइट शर्ट होगी ना भाई, फ्लैग देना भाई निकाल के, वहाँ के साथ बहुत डर लगता है भाई, ऐसा लगता है पुलिस वाले खड़ा हुआ, वो फिर खाली पीली में गालियाँ पड़ जाती है, इसलिए कहते भाई मेरे डरता नहीं हूँ पर यार समझा अभी तो डर लगता है, एक बात तो नहीं है। अरे वो बात नहीं रहता भाई, पूछना मेरे से कौन सी है कौन सी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे यार बहुत पैसा लगता है आने के लिए। भाई तू आज की बाजी अभी भी छोड़ो, थी अभी मना करूँ आज की बाजी छोड़ दे ना, बने आज की बाजी के लिए भाई छोड़ दे चीजें, मैं नहीं छोड़ूंगा। तो भाई घूमते घूमते भूख लगी है, मशहूर अपना ये छोले वाले जी हैं अंकल, छोले और कचौड़ी भी देता है, तो भाई तुम्हारा छोले कुलचे नहीं खा रहा, क्योंकि सुबह ने खाना खा लेता दो रोटी, इसलिए मैं कचौड़ी खा रहा हूँ। तो भाई लैला ने रैप लिखा एक जो बहुत जल्दी लॉन्च होगा। जिनको नहीं लगा था कि मैं कुछ नहीं करूंगा, उनको देखते देखते मैं कामयाबी पे चढ़ गया, जहां भी मैं जाऊं मेरे पीछे पीछे आए मेरे भाईचारा, कह के कहते भाई 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 एक फोटो 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 तो करा ले मेरे भाई, फिर कहते लैला लैला भाई मैं एक डायलॉग तो मार तेरे भाई का भी डायलॉग, इतने ऊपर जाके बाकी आगे लिख रहा हूं गाइस। तो भाई तुम्हें पहले बता दूँ ये कचौड़ी बहुत लोग कम खाते हैं, क्योंकि कचौड़ी का नाम सुनते ही कचौड़ी समझते हैं लोग कि कचौड़ी वो सब्जी वाली होती है, जो सब्जी वाली कचौड़ी खाते हैं लोग उससे मोटापा होता है, पर ऐसी नहीं होती। कचौड़ी वाली ये भी होती है पटेल नगर के अंदर, जो छोले के ऊपर और ऊपर प्याज और चटनी लगी होती है, ये बेस्ट कचौड़ी होती है गाइस। तो ये हेल्दी है जी ब्रो, वाह खाएगा। मैं अपनी डाइट पे चीट नहीं करता, बस कहा देख कहाँ पे नस आ रही है, ये यहाँ से जाती है बस। ओके तो करेंगे सेक्स, कचौड़ी खा के मिलता हूँ। सो गाइस तो करेंगे फैक्स, स्वागत है नए फिर से उसमें। हाउ आर यू मैन? भाई ये फिर से आ गए यहाँ पे चिकन खाने, मैं तो भाई कचौड़ी खा के खुश। क्या ले रहा है? चिकन नहीं खाता तू? भाई वेजिटेरियन हूँ भाई, क्या करूँ यार। ले क्या रहे तो बता दे, जब तेरे को खाना नहीं तेरे को मतलब क्या भाई, चिकन में तो मसाला ज्यादा होगा। 160 कितने हो गए भैया? 107 बैंड के लौड़े प्यार में पागल हो गया, 160 रुपए कह रहे वो 160 है ये तड़पन है ये उलझन कैसे है जीलू बिना तेरे मेरी अब क्या हो गया भाई इसका चैनल सब्सक्राइब कर दो वरुण यादव ब्लॉग्स। भाई तुम फेमस होए पड़े हो तुम्हारी वीडियो में, यही तो भैया रे भाई लोअर ठीक कराना था भाई, आ गए मेरा क्या नाम है भाई? भाई और भाई तुम्हारा सुमित। वही भाई हाँ भाई वो देखो बोल कुछ, क्या बदतमीजी है ये? अरे वो सैलरी ले बोलो सैलरी ली, वो पैसे ये पैसे देता घर पे नहीं देता यार, बोले बहुत गलत चीज है भाई, बहुत गलत चीज है भगवान की कसम भाई। आपको भी कभी कुछ गिफ्ट दिया है? बताओ लड़कियों को पता नहीं क्या क्या दे देता है ये गिफ्ट में भाई, बहुत गलत चीज है तेरी गिनने भाई। जितने भी ये बंदे ब्लॉग देख रहे हैं ना भाई, ऐसे मत करो, पहले माँ है उसके बाद लड़की है भाई, पहले माँ को प्यार करो, उनके लिए सूट लाओ सोना बनवाओ। साले पागल हो जाएगा प्यार में। सो भाई अभी हम आ गए आटा लेने राजन नगर, भाई का जहाँ से घर का खाना आता है, साढ़े को काम धंधा है नहीं, घर वाले कोई इज्जत नहीं करते। इसने पूछा पहले फोन करके मम्मी से खाने में क्या बनाया, इसकी मम्मी ने बोला मोहिया फोन काट। साढ़े मेरे घर में भी इतनी भी इज्जत नहीं है, मतलब इतनी इज्जत तो है, मैं पूछ रहा हूँ मम्मी खाने में बता देती क्या खाने में क्या है क्या नहीं है। कुछ काम धंधे कर लिया कर बहन के, बड़े चल आगे चल काम धंधे कुछ होते नहीं है तेरे से।
बातों की बहन है, चुपवा लो बस। लगी थी और एक वो थी वांटेड है, भूली बटियारी। अरे ये चलो ये थे भूली बटियारी वाली थी, ये स्विमिंग पूल वाली वीडियो। दो भाई मिल गए भाई यहाँ पे वाटर पार्क, वाटर पार्क में। नाम बताओ भाई अपना। हिमांशु शर्मा। हिमांशु शर्मा भाई राजस्थान से हो? हाँ राजस्थान। भाई आईएएस पढ़ने आए हैं यहाँ पे। भाई यहाँ पे आईएएस पढ़ने नहीं है भाई, हमसे मिलने आए स्पेशल। हाँ। भाई तुम सबको कसम है, इसकी गाने सुन सुन के किस मतलब बंदियों की याद आती है कि नहीं आती? नीचे कमेंट करके बताओ। नहीं आती भाई। आती है तो बताओ। आती है पर ये नहीं समझ आता कौन सी वली की आ रही है। तेरी यार की यार ये हट भाई यार, भगवान कसम इसने एक गाना ऐसा कोई नहीं छोड़ा जो ना सुनाया हो उसने। दर्द भरा, दर्द भरा साला पागल हो गया। बहन जो भी थी इसके साथ प्लीज वापस आ जा यार, प्लीज वापस आ जा। सो भाई मैं सो गया था, उसके बाद अब सीधा डायरेक्ट जिम आया हूँ, जिम के नीचे। अब सीधा तुम्हें ऊपर मिलता हूँ जिम के नीचे, ठीक है? तो भाई अभी वर्कआउट हो गया, मैंने वीडियो एक बीच में डाली क्योंकि भाई तुम्हारा भाई वर्कआउट करता है, ऐसे बकचोदी नहीं करता। आई एम नॉट गिनना ब्रो। तो वर्कआउट के बाद वो गिनने को टाइम लगेगा, इसलिए उसको मैं छोड़ के आ गया। अब मैं जा रहा हूँ घर क्योंकि मुझे पहले डाइट लेनी है प्रॉपर अपनी, उसके बाद फिर बकचोदी करने बाहर आ जाऊँगा। तो अभी मैं जा रहा हूँ। और भाई तू ये इश्कबाजी छोड़ दे भाई, प्यार में सबका चीतिया कटा है, तू समझ जा बात को भाई मेरे। जैसा तू बोले भैया भाई, जैसे तेरे भले के लिए बता रूँ मैं, वरना फिर आज में वो कभी भी मिल जाएगा, तू भी नशे मारी करता रहेगा। तो अब चलो भाई तुम्हें मैं सीधे आप घर चल के बिल्कुल कुछ डाइट लेता प्रॉपर, उसके बाद फिर अपनी स्कूटी उड़ाऊँगा, फिर दोबारा इधर आऊँगा और आनेंगे फिर आपसे बात। भाई अपने पुराने यार मिल गए थे, घर गया नहीं मैं, मैं इनके साथ आ गया। क्या बोल रहा है तू, हंस क्या रहा है? एफ जी ले आया। एफ जी कौन सी? क्यों हंस रही है भाई बता दो तू? करण की एक्स मिल गई। कौन? जिम के बाद ये मैंने ट्री है। कौन सा होता है वो बंदा बोलता है, कौन है वो? तरुण गिल नहीं, कौन है वो भैया? ना तरुण गिल भाई भगवान की कसम मेरे इसमें लग रहा था ये मोटा पहले जा रहा है गोलगप्पे। और बिल पता है कितने का बैठा? सोचो दादा इन बता अबे दो भाई आकाश इधर आ। कितनी प्लेटें खाई अभी? 9 प्लेट खाए अभी आप। भाई माँ कसम 9 प्लेट हुई है और मैंने उसमें से 2 प्लेट खाई होगी, बाकी ये भाई तूने कितनी खाई है सच बताइयो। बाकी चुप है तुम्हारा। अबे दे यार पैसे दे भाई, मैं तो कर रहा हूँ, मेरा दिक्कत आ रही है। मैं भाई स्कैन कर रहा हूँ, भाई थैंक यू भगवान ऐसी साथ दिया करो। दे जल्दी भाई यार, चले यार। कभी जिंदगी में 9 प्लेटें नहीं खाई है भाई। हम जा रहे भाई गिन्ने के पास, गिन्ने ने कर लिया वर्कआउट, गिन्ने का हो गया, उसके पास जा रहा हूँ। भाई मैं बताना भूल गया, ये भी एक मेरा ग्रुप है, ये डी ब्लॉक का ग्रुप है अपना। ये करण माधवानी जो बैन करोड़ आश्रम में पड़ गया था, बहुत पागल हो गया था, इसको जानती हो, मेरे साथ ही रहता है। जिम वाले के बंदे के साथ हो गए, जिम वाली डाइट मिलेगी, और फुकरे बंदों के साथ हो गए, गोलगप्पे खाओगे, सिंपल सी बात है। सो भाई हैप्पी बर्थडे बोलो भाई, नीचे जग्गी भाई का बर्थडे है, नीचे जग्गी कर दो। तो भाई अभी यहाँ पर आ गए सरदार जी में, कुछ चिकन विकन खा ले भाई को, खाना था मैं तो खाऊंगा नहीं क्योंकि मैंने आपने देख लिया, मैंने गोलगप्पे खा लिए थे 9 प्लेट और शिवरंजी वाले। नहीं नहीं इसी की करते भाई, तू तारीफ है जरा लेके है भाई हम दोनों का। भाई भाई ये भाई भाई मिल गए थे भाई हमारे। भाई डालो भाई छोटे व्लॉग बनाते हो यार। अब बड़ा करूंगा यार, पैसा चाहिए इसको। काम भी छोड़ दे, डिजाइन ले भाई। भाई देख इसका व्लॉग देख रहे हो ना, बस हो गया उसमें। सो भाई यही वीडियो एंड करते हैं। बाकी भाई ये देखो डाइटिंग में फुल, काश मेरे घर वाले मुझे ऐसे चीज खाने देते। नहीं भाई किसी को मार के कभी भी अपना पेट मत भरो, हमारे घर वालों ने तो बचपन से आदत डाल दी तो हम खा रहे। चलो गाइज तो वीडियो को यही एंड करते हैं,
वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, सुबह मिलते हैं 10 बजे। ओके बाय। दूरी रखे भाई, पाले लड़के हैं, जिंदा बेच के खा लेंगे, तू भाई बनेगा, तेरे सारा खाना पीना अपनी जेब से डाले।